नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। इंडस्ट्रियल एरिया के छोटे प्लॉटों का विवाद गहराता जा रहा है। आज इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी प्रशासन द्वारा नाजायज नोटिस के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते नजर आए। जहां एक ओर उनके हाथ में कटोरा था तो वहीं दूसरी ओर सूट बूट भी पहने हुए थे। इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रिब्यून चौक तक भीख मांगते हुए नजर आए। इंडस्ट्रियल एरिया की बर्तन एसोसिएशन और फर्नीचर एसोसिएशन ने भी उनका समर्थन करते हुए उनका साथ दिया। और उसके साथ ही आज पूरा इंडस्ट्रियल एरिया शाम 4 बजे के बाद पूरे तरीके से बंद हो रहा था। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि व्यापारी पिछले कई वर्षों से चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बच्चे की तरह अपने व्यापार को बढ़ाया और आज यही एकमात्र उनके परिवार का सहारा है। लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन उन्हें तरह तरह के नोटिस भेज कर परेशान करने का काम कर रहा है। उन्हें दुरुपयोग के नाम से नोटिस भेज कर प्रशासन चाहता है कि व्यापारी अंत तक आकर खुद ही पलायन कर लें। व्यापारियों ने कहा कि वो प्रशासन की इस मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम किसी भी सूरत में पलायन नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया का नाम इंडस्ट्रियल बिजनेस पार्क कर दिया सरकार ने, तो बिजनेस पार्क को ट्रू सेंस में बिजनेस पार्क बनाना चाहिए। बिजनेस पार्क का मतलब है यहाँ पे हर तरह का बिजनेस चले। अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरानी इंडस्ट्री कौन सी है, उसमें आपकी इंडस्ट्री जो थी वो थी 5 रुपये मंजर बनाने की, सिंदूर को बनाने की। क्या आज की डेट में इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। आप नया दौर है, नई चल लिखेंगे, नई कहानी वो वाली बात होनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो इसलिए आज की डेट में इंडस्ट्री एरिया को न्यू का टाइम स्केल बनाने की सोचनी चाहिए, ना कि एक पुराना हिस्सा कितना इंडस्ट्री एरिया। आप देख रहे हो अगर यहाँ पे बड़ा बड़ा बिजनेस है तो कितना टूरिस्ट आए। अभी भाई साहब नरेश जी बता रहे थे कि 4000 प्लॉट ऐसे छोटे छोटे प्लॉट जिनको अभी कन्वर्शन की जरूरत है। अगर उसमें से 2500 प्लॉट भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप सोच के देखिए, अगर एक एक प्लॉट से 50-50 लाख की भी कन्वर्शन फीस मिलती है तो कितना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिल सकता है। प्लस अगर एक एक 10 बंदे को इम्प्लॉयमेंट देता है तो कम से 25,000 परिवार जो है वो इस पॉलिसी से जो है नौकरी मिल जाती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।